हेलो स्टूडेंट्स, मेरी अकाउंट से क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगी। अकाउंट्स में हम देखते हैं जितने ज़्यादा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं या इनकी प्रैक्टिस करते हैं, उतने ही हमारे क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आज की हम यहाँ पर क्लास फर्स्ट में देखेंगे, न्यूमेरिकल की क्लास फर्स्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम श्याम एंड मोहन वेयर पार्टनर्स। तो राम श्याम और मोहन यहाँ पे क्या थे, पार्टनर्स थे। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016। यहाँ इन्होंने अपने ध्यान रखें कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत ही माइनर चीज़ें होती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ईयर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखेंगे 1 जनवरी 2016 से। ये तीन इसके पार्टनर है फर्म के। कहा गया है कि यहाँ पे कैपिटल है जो राम की है 50,000, श्याम की है 30,000 और मोहन की है 20,000। आगे ध्यान देंगे कि यहाँ लिखा हुआ है बिफोर। कहा गया है बिफोर डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, बिफोर डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट श्याम इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी ऑफ ₹3,000 एंड मोहन ₹2,000 पर एनम। तो यहाँ कहा गया है कि प्रॉफिट के डिवाइडिंग से बिफोर, यानी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही, और इन्होंने श्याम और मोहन को सैलरी के लिए एंटाइटल किया हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो हम सैलरी या कमीशन हम कब देते हैं, जबकि वहाँ पे डीड में लिख दिया गया है। तो इस लाइन का हमारा यही मतलब हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में मोहन और श्याम को, तो श्याम को यहाँ पे 30,000 रुपये और मोहन को 2,000 रुपये सैलरी देने का डीड में लिखा हुआ है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में कहा गया है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहाँ कहा गया है कि यहाँ तक है पहले ये कि इंटरेस्ट इज अलाउ ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ हमें कितना देना है, 10% पर एनम। आगे कहा गया है कि आउट ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट से 1st 50,000 विल बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो। तो कहा गया है सपोज आपका, अगर हम क्वेश्चन करें तो सपोज कहीं यहाँ पे अपना 80,000 या फिर 70,000 आता है प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट में से जो ये 50,000 है उसका डिवाइडेशन हमें किस तरीके से करना है, ये कैपिटल रेशियो में करना है। कैपिटल रेशियो हमारा क्या होता है, कैपिटल का रेशियो। कैपिटल हमारा यहाँ पे 50,000, 30,000 और 20 दिया हुआ है, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3:2 हो जाएगा। तो बाकी का 50,000 तो हमें कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, और बाकी का बैलेंस जैसे कि सपोज मेरे 70,000 आते हैं, तो 30,000 मेरा जो बैलेंसिंग प्रॉफिट होगा उसका मैं डिवाइडेशन कैसा करूँगी, इक्वल करूँगी। तो जब भी हम क्वेश्चन देखें उससे पहले हम ये देख लें कि डीड में किसी भी प्रकार का कमीशन है, या फिर हम ये इंटरेस्ट भी क्यों दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, क्योंकि डीड में कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको प्रोवाइड हो ये सैलरी है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप एक बार इनको पर एनम है, पर मंथ है, ये ध्यान दे लें। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है, यहाँ हम क्वेश्चन करते समय ये ध्यान नहीं देखते कि 50 वाले हैं, 1st 50 को आपको कैपिटल रेशियो में कहा है, बाकी को इक्वल में कहा है। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात भी है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया गया है, कि 2:3:1 ऐसा कोई रेशियो नहीं दिया गया है यहाँ पे। इसीलिए इन्होंने बता दिया कि 50,000 तक का आप प्रॉफिट है वो तो कैपिटल के रेशियो, जो कि मेरा 5:3:2 है, और बाकी का इक्वल यानी कि 1:1:1 में हमको डिवाइड करना है। क्वेश्चन समझ में आया। आगे हम देखेंगे कहा गया है कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December 2016। तो यहाँ हमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का हमें ईयर करना है। आगे कहा है अमाउंटेड टू ₹95,000। कहा गया है कि ये जो प्रॉफिट है आपका ईयर का एंड में, वो आप कितना प्रॉफिट है, 95,000 का आपके प्रॉफिट है। आगे और ध्यान देने वाली बात है कि बिफोर कहा गया है, जब भी प्रॉफिट में आपके बिफोर कह दिया जाए, तो आगे कहा है मेकिंग ऑल द अबव एडजस्टमेंट, यानी कि जो 95,000 है
इसमें किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट जैसे कि सैलरी है या कैपिटल है, ये किसी भी प्रकार का ऊपर दिया गया एडजस्टमेंट इसमें से नहीं है। अगर यहाँ आफ्टर कहा होता कि वहाँ उसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रॉफिट था वो एडजस्टमेंट के बाद का है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी हम क्या करते हैं, ये प्रॉफिट से ही हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के एडजस्टमेंट करते हैं। तो वो यहाँ कहा गया है कि यहाँ किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है वो कैसा है आपका, बिफोर एडजस्टमेंट के है। तो अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कैसा होता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा जाता है, इस तरफ यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है। हम यहाँ पे हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं कि ये जो प्रॉफिट होता है हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पी एंड एल के क्रेडिट की तरफ। तो वहाँ क्या लिखा जाएगा, बाई पी एंड एल अकाउंट। ध्यान दें, अगर यहाँ ये प्रॉफिट है इसीलिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, प्रॉफिट को क्रेडिट की तरफ लिख रही हूँ, क्योंकि हमने देखा है अब प्रॉफिट से हमारे को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डी आर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट था हमने पी एंड एल अकाउंट से किस में ट्रांसफ़र कर दिया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। कितना है, 95,000, ठीक है। आगे इन्होंने अब जो एडजस्टमेंट कहा है वो हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ यहाँ इन्होंने कहा है कि सैलरी देनी है, किसको देनी है, जिसका नाम लिखा हुआ है केवल श्याम और मोहन। यहाँ राम के लिए कोई भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ हम अब क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से हमें सैलरी देनी है, तो यानी ये प्रॉफिट कम होगा तो इसके अपोजिट साइड आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, सैलरीज अकाउंट किसको देनी है, तो उनका यहाँ नाम शो कर देंगे हम, श्याम और मोहन, ठीक है। यहाँ पे हमें पर एनम कहा है, पर मंथ तो हमें कहा नहीं था क्वेश्चन में, एनम कहा है, तो हम यहाँ पे 2000 और 3000 लिख देंगे। टोटल हम बाहर वाले कॉलम अमाउंट में लिख देंगे। तो यहाँ हमारी अब एंट्री क्या हो गई, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। अगर आपको जनरल एंट्री करने को कहे तो हम यहाँ जनरल एंट्री कैसे करेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। यहाँ हम ध्यान दें कि ये फर्म का अकाउंट होता है, फर्म के अकाउंट में ये जो सैलरी है पार्टनर्स की सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट में से वो अपना एक्सपेंसेस कम कर देगा और पार्टनर्स के लिए ये क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। तो ये हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे कहा गया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, वो भी हमारा डेबिट की तरफ आएगा। तो यहाँ लिख दिया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे आपको 10% पर एनम कहा है, आपकी कैपिटल दी गई है राम की 50,000, 30,000 श्याम की और 20,000 मोहन की। 10% हमको कैलकुलेशन करनी होगी, तो हम यहाँ पे 50,000 का 10% 5,000, 3,000 और 2,000 कैलकुलेट कर लेंगे। पर एनम कहा गया है, यानी कि पूरे साल भर में यही रही है, बीच में न तो एडिशनल कैपिटल लगी है न ही कुछ और हुआ है। तो यहाँ हम राम को, श्याम को और मोहन को दे देंगे। राम की हो जाएगी यहाँ पे 5,000, 3,000 श्याम की और मोहन की हो जाएगी 2,000। ये हमने कैसे निकाला वो हम कहाँ दिखाएंगे, वर्किंग नोट में दिखा देंगे। यहाँ हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 10,000, यानी कि 10,000। यहाँ हम देखेंगे अब कि हमारा 95 हमारा प्रॉफिट था, इसमें से हम 5,000 रुपये की सैलरी दे चुके हैं और 10,000 की हम क्या कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं। तो यहाँ पे हम 95 से हम यहाँ पे 15,000 हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हमारे पास में कितना बचेगा प्रॉफिट, हमारे पास में प्रॉफिट बचेगा 80,000 का। तो यहाँ हम लिखेंगे इस 95 में से
हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? अब हमारा प्रॉफिट बच गया है यहाँ पे 80,000 का। इसका डिवाइडेशन कैसा होगा वो मैं आपको वर्किंग नोट में दिखा देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फर्स्ट जो 50,000 है, तो हमारे पास में टोटल कितना प्रॉफिट आया है? हमारे पास में 95 में से 5,000 की सैलरी और 10,000 के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद में हमारे पास में टोटल प्रॉफिट है 80,000। इसका डिवाइडेशन में कहा गया है कि 50,000 का डिवाइडेशन आपको कैपिटल रेशियो में करना है और बाकी के रिमेनिंग, तो बाकी का रिमेनिंग हमारा कितना बच गया? 30,000। 30,000 को हमें कैसा करना है? इक्वल करना है। तो बैलेंस शीट में हम वर्किंग नोट में हम दिखाएंगे राम का, श्याम और मोहन। पहले हम इस 50,000 का डिवाइड कर देंगे। 50,000 का डिवाइड कैसा होगा? हम कैपिटल रेशियो में करेंगे। कैपिटल रेशियो 5:3:2 कहा गया है। तो ये 50,000 का अगर हमें राम की कैलकुलेशन करनी है तो हम 50,000 टोटल, हम इन सब का टोटल करेंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा, अपॉन में 10। अब राम का निकालना है तो इसका यहाँ हम कर देंगे, इसका हमारा कैलकुलेट करेंगे तो राम का कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये। इसी तरीके से हम श्याम का करेंगे, श्याम को भी हम इसी 50,000 में से हमें हिस्सा कितना देना है? 3। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50,000। आगे मोहन का है, इसी 50,000 में से ये हमारा 10,000 हो जाएगा। यानी 50,000 का ये डिवाइडेशन हमारा राम को 25,000, श्याम को 15,000 और मोहन को 10,000 हो जाए। बाकी के बचे हुए 30,000 का हमें इक्वल डिवाइड करना है। इक्वल यानी 1:1:1, इनका टोटल हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम 1, अपॉन करेंगे हम 3, तो 10,000। यानी कि सबका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10,000। और यहाँ पे इसका भी कितना हो जाएगा? 10,000। तो टोटल राम को कितना प्रॉफिट मिल जाएगा? राम का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 35, यहाँ इसका हो जाएगा 25, यहाँ मोहन का हो जाएगा 20। तो यानी ये जो प्रॉफिट आया था, जो कि हमने यहाँ भी दिखाया है कि 95 से मैंने अगर ये 5 ये दिया और आगे 10,000 का ये दिया, तो 80,000 रुपये जो मेरे प्रॉफिट आया उसको मैं किस तरीके से डिवाइड करूँगी? उसको मैं यहाँ इस तरीके से डिवाइड कर दूँगी। ए की कैपिटल, बी की राम की, श्याम की और मोहन की कैपिटल हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? राम की कैपिटल में कितने जाएंगे प्रॉफिट? 35,000, श्याम के 25,000 और मोहन के 20,000। ये सारी चीज़ें हम कहाँ दिखा देंगे? अब पे अंडर एप्रोप्रिएशन में दिखा दिया जाए। तो ये तो मेरा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने सीखा कि अगर यहाँ प्रॉफिट के बिफोर एडजस्टमेंट दिया गया है ये प्रॉफिट, तो यानी कि हमें अभी एडजस्टमेंट करना है, और सैलरी का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कहा जाए तो ही हमें करना है। प्रॉफिट के डिवाइडेशन का अगर कुछ भी रूल हमें समझाया, हमें उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है ए बी एंड सी वेयर पार्टनर। यहाँ पे पार्टनर कौन है? ए बी और सी है। आगे यहाँ कहा गया है कि देयर कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2016 वाज, इनकी कैपिटल बताई गई है आपको। ए की कैपिटल है 40,000, बी की कैपिटल है 27,800 और सी की कैपिटल आपकी 15,900। ठीक है, आगे यहाँ पे कहा गया है कि बिफोर डिवाइडिंग ऑफ प्रॉफिट बी इज एंटाइटल फॉर सैलरी। तो यहाँ आपको कहा गया है कि लाभ के आपको डिवाइडेशन से पूर्व ही आपको ये बी सैलरी के लेने का एंटाइटल है, यानी कि उसके अधिकार है। कितने का? 25,000 रुपये का, और सी का
2500 रुपये का और सी का 2000 रुपये का, यानी कि यहाँ पे हमें बी को कितनी सैलरी देनी पड़ेगी 25,000 और सी को कितनी देनी पड़ेगी 2000 का। ए का यहाँ पे नहीं कहा तो हम नहीं करेंगे, अभी जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया एकदम सेम वैसा ही है। आगे हम करेंगे इंटरेस्ट इज अलाउ ऑन कैपिटल 5%। अब यहाँ पे हमें 5% कहा है डीडी में तो हम यहाँ 5% ही करेंगे, अपने मन से यहाँ पे हम 10% नहीं लिखेंगे पर एनम कहा है। आगे इन्होंने कहा है कि आउट ऑफ नेट डिवाइडिंग प्रॉफिट, फर्स्ट आपको कहा है जो 10,000, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वहाँ हमें 50,000 को करना था, यहाँ अभी हमें 10,000 को डिवाइड करना है। तो यहाँ कहा गया है कि 10,000 को कैसे करना है, 10,000 को, ए को हमें 40% देना है, किसका, 10,000 का, और बी को हमें 35% देना है और सी को कितना देना है, 25 देना है। आगे कहा गया है कि प्रॉफिट इन एक्सेस टू, अगर 10,000 से ज़्यादा अगर प्रॉफिट है हमारे पास तो उसका डिवीज़न हमें कैसे करना है, शेयर कैसे करना है, इक्वल करना है। जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 30,000 का इक्वल डिवाइड किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ तक कुछ भी क्वेश्चन में चेंज नहीं है। आगे हम देखेंगे कहा है कि फोर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016, ठीक है। अब यहाँ हम ध्यान दें कि लाइन लिखी हुई है आफ्टर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट द प्रॉफिट, कहा गया है कि जो हमें ये प्रॉफिट दिया गया है 23,170 का, यानी 23,170 का, इसमें से इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है यानी कि इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट नहीं हुआ हुआ है, पर सैलरी उसमें से दी गई है, यानी कि इस 23,170 में से सैलरी का एडजस्टमेंट हो चुका है। अब हमें दोबारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करना है, यही इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है जब पढ़ते समय कि ये आफ्टर सैलरी कहा गया है कि प्रॉफिट कैसा है, इसमें से हम सैलरी पार्टनर्स को दे चुके हैं पर अभी हमें एडजस्टमेंट किसका करना है, इंटरेस्ट का करना है। तो अब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, केवल इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रेडिट की तरफ प्रॉफिट लिखेंगे जो कि हमारा कहाँ से आया है, पी एंड एल अकाउंट से आया है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा बाई पी एंड एल अकाउंट, कितना दिया गया है 23,000 और 170 का, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। आगे हमें ध्यान देना है कि हमने अब यहाँ पे जो ये प्रॉफिट दिया गया है इसमें से हम सैलरी माइनस कर चुके हैं, यानी सैलरी हमें कितनी देनी थी 2500 और 2000, ये हम इसमें से माइनस कर चुके हैं, यानी एक्चुअली में हमारा प्रॉफिट कितना था उसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो यहाँ हमें कहा गया है कि इसका एक्चुअली में हमारा प्रॉफिट था 27,670 का, उसमें से हम बी को 2500 रुपये और सी को 2000 रुपये दे चुके, उसके बाद हमारा प्रॉफिट है 23,170 का। अब इस प्रॉफिट में से हमें क्या करना है, केवल कैपिटल का ही एडजस्टमेंट करना है। यहाँ अब हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी का। यहाँ हम कैपिटल देखेंगे तो कहा गया है ए की कैपिटल है 40,000, बी की कैपिटल है 27,800 और सी की कैपिटल है 15,900। यहाँ हमें सबको कितना देना है, 5% देना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कहा गया है 40,000 का हमें 5% निकालना है, कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। ये जो सारी कैलकुलेशन है आपको कहाँ दिखानी है, वर्किंग नोट में दिखानी है। आगे बी का कहा गया है 27,800 है, इसका हमें कितना निकालना है, 5% निकालना है, तो कितना आ जाएगा 1,390। आगे हमें कहा गया है कि
15900 है सी की, इसका हमें 5% कैलकुलेट करना है, तो कितना आ जाएगा 795। यहाँ हम लिख देंगे 795। इन सभी का हम प्लस करके बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे, इनका प्लस हमारा आया 4185, यानी 4185। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे जो हमारा प्रॉफिट था 23170 में से हम माइनस क्या कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, खर्चा है, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ हमारा आया था 4185। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना बच गया, अब हमारा प्रॉफिट बच गया 18985। कि आप बचा हमारा 18985। तो इसको कैसे हमें करना है वो हम देखेंगे। ये हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ ध्यान और दें कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये हम क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे करंट अकाउंट का अलग से बैलेंस नहीं दिया गया है, इसलिए हमारे को पास कोई सूचना नहीं है, इन्फॉर्मेशन के अभाव में हम क्या करते हैं, हम कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट, एक्चुअली में प्रॉफिट कितना हुआ था 27170 का, पर उसमें से हमने 4185 का क्या कर दिया, कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया। आगे हम देखेंगे अब कि हम इसको किस तरीके से करना है। अब ये हमारा है आया है, अट्ठारह हज़ार 985 का। तो यहाँ मैं दिखा दूँ, 18985 का हमने कर दिया। इसका हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, इसका हमें कहा गया है कि जो फर्स्ट आपके जो 10,000 है, इसको तो आपको ए को 40% देना है, बी को 35% और सी को कैसा देना है 25%, और बाकी का जो रिमेनिंग जो एक्सेस बचा रहेगा उसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इक्वल करना है। तो इसको मैं आपको वर्किंग नोट में करके दिखा दूँ, ये सारा आपको वर्किंग नोट में करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि फर्स्ट जो 10,000 है उसको हम डिवाइड कर देंगे पहले रेशियो में, जो 10,000 का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट हमारा, टोटल प्रॉफिट है हमारा 18985 हुआ है। इसमें से हम 10,000 को कहा गया है 40% और 25% और 25% में हमें डिवाइड, इसका हम रेशियो भी निकाल सकते हैं। रेशियो निकालेंगे तो 8:7:5 आएगा, नहीं तो हम सीधा इनके परसेंट, 10,000 का 40% हमारा कितना होता है 4,000, 10,000 का 35% 3500 और 25% 2500। अब बाकी हमारा रिमेनिंग कितना रह गया, प्रॉफिट 8985। इसका हमें कैसे करना है, इक्वल इक्वल डिवाइड करना, यानी तीनों में इक्वल डिवाइड करना, यानी 8985 का हमें 3 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि हमें सबको कितना देना है 2995। यहाँ हम इसका अगर ऐड करें तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6,495 अब ये जो हमने निकाला है 6,995, 6,495 और 5,495, ये हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। यानी इस 18,985 का हमने किस तरीके से डिवाइड किया, इस तरीके से जो कि हमें कहा गया था। अब ये हम कहाँ दिखा देंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ हम ए को बी को और सी को, जो कि हमारा यहाँ पे ये टोटल आया था, ये वो ही हम दिखा देंगे। टोटल हमारा आया है 6995 ए का, बी का आया है हमारा 6495 और इसका आया है 495। इस तरीके से ये
क्वेश्चन होता है पार्टनरशिप का। तो यहाँ हमने क्या देखा, अब यहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन से नई चीज़ सेकंड में ये देखी कि जो सैलरी के आफ्टर का आपको प्रॉफिट दिया गया है, बट ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया है, तो ये क्वेश्चन अब इस तरीके से होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल के। आगे हम देखते हैं, यहाँ अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है कि पी एंड एस स्टार्ट ए पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 जनवरी 2016। यहाँ पे कहा गया पी और एस टू ही पार्टनर है। हमने वहाँ पे भी देखा था कि मिनिमम तो टू होने चाहिए ही। तो आगे कहा गया है कि विच ए कैपिटल ऑफ 1000 और 10000, यानी कि पी की कैपिटल कितनी है, 1 जनवरी 2016 को 1000 रुपये से इन्होंने स्टार्ट किया, और बी ने कितने, सी ने कितने लगा, सॉरी एस ने कितने लगाए, 10000 रुपये लगाए, ठीक है। आगे कहा गया है जनवरी में स्टार्ट हुआ था। आगे कहा गया है ऑन 1 मार्च 2016, तो 1 मार्च 2016 को पी ने क्या किया, इंट्रोड्यूस की एडिशनल कैपिटल, यानी कि यहाँ 1 जनवरी से वो 1000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। पी ने अब 1 अप्रैल को, यानी कि 2 महीने बाद ही उन्होंने क्या किया, 4000 रुपये और अपने बिजनेस में ऐड कर दिए। आगे कहा गया ऑन दैट डे, यानी ऑन दैट डे का मतलब है 1 मार्च 2016 को ही एस ने विड्रॉल कर ली कितने, 3000 रुपये। तो ध्यान दें कि यहाँ इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई थी पी ने, पर यहाँ पे एस ने क्या किया है, विड्रॉल किया है 3000 रुपये का फ्रॉम हिज कैपिटल, यानी इनकी 10000 की कैपिटल थी वो उन्होंने जनवरी में लगाई थी, 2 महीने बाद में इन्होंने 10000 में से 3000 रुपये क्या कर लिए, पर्सनल यूज के लिए इन्होंने अपनी कैपिटल निकाल ली। आगे कहा गया है कि सी एंटर्ड इन द फर्म, पहले पी और एस थे, अब सी एंटर्ड हो रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो यहाँ पे हमें जो डेट दी गई हो, एक यहाँ पर मंथ पर एनम कहा गया हो, तो हम यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अब सी एंटर्ड हो रहा है इन द फर्म में ऑन कब हो रहा है, 1 जुलाई 2016 को हो रहा है। कब हो रहा है ये, 1 जुलाई 2016 को, विथ ए कैपिटल, कितनी कैपिटल लेकर के आया है ये, 15000 रुपये की कैपिटल लेकर के आया है। आगे कहा गया ऑन दैट डे, ऑन दैट डे यानी कि 1 जुलाई 2016 को पी एंड एस इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, यानी कि पी ने क्या किया, 6000 रुपये और अपनी कैपिटल लगाई, कब, 1 जुलाई 2016 को, और सी ने भी अब की बार क्या किया है, अपनी और कैपिटल लगाई, कितनी लगाई है, 5000 रुपये की। आगे कहा गया है कि प्रॉफिट लॉस आर डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशियो, ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 वेयर ए, यहाँ प्रॉफिट कितना बताया गया है, ये ईयर एंड का बताया गया है 29800, यानी 29800 का। आपको प्रिपेयर क्या करना है, पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद द डिटेल जो आपको दी गई है। इस क्वेश्चन में आपने क्या चीज़ ध्यान दी, इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि यहाँ पे कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आपको इनके कैपिटल में या इनकी ड्राइंग में, की गई ड्राइंग में इंटरेस्ट चार्ज करना है या कैपिटल में इंटरेस्ट आपको देना है, कहीं भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम पेंडल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में इनको इंटरेस्ट नहीं देंगे। फर्स्ट बात तो हमारी क्या आई कि हम इनको इंटरेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे इंटरेस्ट, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे डीड में कहा नहीं गया है, ठीक है। सेकंड बात, इन्होंने हम जब पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमें डिवाइडेशन करना होता है या शेयरिंग करनी होती है, अगर हमें कुछ भी नहीं कहा होता तो हम 1:1 में करते, पर इसके प्रॉफिट की लॉस की शेयरिंग इन्होंने कैसी कह दी हमें, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल हमारी देखेंगे कि यहाँ पे 1 जनवरी को इन्होंने लगाई, मार्च में इन्होंने निकाली भी, फिर एडिशन लगा ली, तो यानी हम टोटल कैपिटल की हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये हमारा प्रॉफिट दिया गया है, इसमें कुछ भी नहीं कहा है कि ये आपका एडजस्टमेंट से पहले का है बाद का है, तो हमें यहाँ जो एडजस्टमेंट करने हैं, एडजस्टमेंट क्या करने हैं, हमें सैलरी हमें देनी नहीं, कमीशन हमें देना नहीं क्योंकि यहाँ कहा नहीं गया, कैपिटल में इंटरेस्ट या ड्राइंग में इंटरेस्ट हमें देना नहीं, कुछ भी हमें नहीं करना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसी प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पर डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, कैपिटल रेशियो में। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ
जो हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्रेडिट की तरफ लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट। इसकी अगर एंट्री भी कह दी जाए तो बाय पी एंड एल अकाउंट डी आर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कितना दिया है 29,800। ठीक है, आगे हम ये सारा कैपिटल हम क्या प्रॉफिट हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, पर हम इसको कैपिटल को किसमें करना है, हमें कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट हमें किसमें डिवाइड करना है, कैपिटल रेशियो में, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, जो अब हम देखते हैं कैसे करना है। यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल रेशियो की। तो हम सबसे फर्स्ट ऑफ ये देखेंगे कि पी ने यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में दिखानी पड़ेगी कि 1 जनवरी को इन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पी ने 1 जनवरी को अपने 1,000 रुपये लगाए, जो कि दिसंबर तक उन्होंने लगाए रखे, तो ये इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 12 मंथ से हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। आगे क्यू ने भी क्या किया था, 1 जनवरी को 10,000 रुपये निकाले थे। ठीक है, ये 10,000 हमारे पास कितने महीने तक रहे, 12 तक। सी आया था, ये हम क्या यहाँ पे भी आप एस लिख दीजिए, क्वेश्चन में आपके एस है, तो यहाँ पे ये नहीं आया था। आगे हम देखेंगे कि मार्च के महीने में 1 मार्च को इन्होंने क्या किया था, 1 मार्च को पी ने कहा गया है कि 4,000 रुपये का एडिशनल कैपिटल किया था, वही एस ने क्या किया था, कब, 1 मार्च को इन्होंने अपने 3,000 रुपये निकाल लिए थे। ठीक है, सी आया ही नहीं। आगे कहा गया है कि 1 जुलाई को पी ने एडिशनल कैपिटल यहाँ पे 6,000 निकाली। अब हम यहाँ क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैपिटल रेशियो की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि हम पहले अभी टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं। ठीक है ना, कि 1,000 रुपये हमारे पास कितने बार रहे, तो हम अभी कैपिटल तो निकालनी पड़ेगी हमें, तो ये हम 6,000 और इन्होंने 1 जुलाई को 5,000 रुपये ये इन्होंने निकाले थे, तो माइनस में हम लगा देंगे। और ये सी यहाँ आया था, तो यहाँ 1 जुलाई को आया था कितने से, 15,000 से। तो इसमें हम इंटरेस्ट कितने महीने का हम चार्ज करेंगे, ये हमारे पास में कितने महीने तक रही, 12 महीने तक, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,000 आ जाएगी। 4,000 इसमें हम कितना करेंगे, यहाँ कहा गया है कि हमें यहाँ पे भारित निकालना पड़ेगा, यानी कि भारित यानी कि वेट, हमें ये 1,000 रुपये हमारे पास 12 महीने रहे, 4,000 हमारे पास में 2 महीने नहीं रहे थे, यानी कितने महीने रहे, 10 महीने, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6,000 यानी जुलाई में आए, तो जुलाई में यानी कि 6 मंथ, क्योंकि जुलाई से अगर हम कैलकुलेट करें तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 6,000 की मनी हमारे पास में कितने महीने तक रही, 6 महीने तक। तो टोटल हमारा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। ये किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मंथ से कर रहे हैं, पर ये वेटेज के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। यहाँ हम सबको इक्वल कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 88,000, यानी कि पी की टोटल कैपिटल हमारे पास में कितनी रही है, 1,000 रुपये की हमारे पास में 12 महीने तक रही, तो ये कितनी हो जाएगी, 12,000 की हो जाएगी। 4,000 हमारे पास 10 महीने तक रही, तो कितनी हो जाएगी, ये 10,000 की, क्योंकि यहाँ हम इसे वेटेज से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और 6,000 की हमने जुलाई में लगाई, तो वो 6,000 की हमारे पास कितने महीने तक रही, 6 महीने तक रही, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ से, टोटल कैपिटल हमारी ये आ जाएगी। इसी तरीके से हम एस की करेंगे, एस की यहाँ पे 1,20,000 हो जाएगी। यहाँ ध्यान दें कि हमें यहाँ पे इन्होंने ड्राइंग की है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो 10,000 की थी, इस 10,000 में से इन्होंने 3,000 रुपये क्या कर लिए, 2 महीने बाद ही निकाल लिए। तो यानी कि 10,000 में से ये जो 7,000 थे, यही तो हमारे पास में पूरे 12 महीने रहे हैं, यही हमारे पास 12 महीने रहे हैं, और ये हमारे पास में कितने रहे हैं, 2 महीने रहे हैं। या तो हम इसका अलग से 2 मंथ का, और इसका फिर हम कितना निकालेंगे, हम 10 मंथ का, तो 2 मंथ का हम यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000, और इसका 10 मंथ का करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 70,000 आ जाएगा। या हम इसको इस तरीके से करते हैं कि या इसको हम क्या कर लेंगे, 12 महीने तक रखें, यानी 1,20,000, इसमें से 3,000 माइनस कर देंगे जो कि हमारे 10 महीने तक रहे नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, 30,000
हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 90,000 आ जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? या तो आप ये 10,000 को पूरे 12 महीने मान करके करो, और ये 3,000 हमारे नहीं है तो इनको 10 महीने के लिए हमारे पास नहीं थे, तो या तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है कि ये जो 10,000 है ये जनवरी फरवरी 2 महीने रहा, तो इसको हम 2 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000। इसमें से 3,000 हमने निकाल लिए थे, यानी 7,000 हमारे पास में बचे। ये कितने महीने रहा, 10 महीने, तो 70, तो भी हमारा आ जाएगा कि ये 90,000 ही हमारे आए। आगे हम देखेंगे कि जुलाई के महीने में इन्होंने 5,000 और लगाया, तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये और आ जाएगा। यानी इस 90,000 में हम 30 जोड़ देंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल 1,20,000। ठीक है, अब ये जो सी है ये यहाँ 6 मंथ के लिए आया, तो यहाँ पे 15,000 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 90,000। ये हमारी क्या हो गई, पी की, एस की और सी की, ये टोटल कैपिटल आ गई। अब इनका रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसका रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है 44 बार, ये 60 बार, और ये हमारा हो रहा है 45। अब ये हम रेशो किस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे एक ही टेबल से तीनों का डिवाइडेशन होना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा है। ये 2 से हो रहा है पर ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से नहीं होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये ही इनका रेशियो हो जाएगा। क्या हो गया रेशियो, 44,000, 44, 60 और 45। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट था उसको हम इसी के इक्वल में डिवाइड कर देंगे। हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट हमारा था, ये सारा हम वर्किंग नोट कर रहे हैं, वर्किंग नोट में हम दिखाएंगे टोटल प्रॉफिट हमारा ना था। यहाँ हम पी को किस तरीके से देंगे, यहाँ ये टोटल अमाउंट है, तो ये रेशियो के भी हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। रेशियो का हम टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 149 अपॉन में रखेंगे, एक पी का हिस्सा कितना है, 44 का। अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, 29 अपॉन 149 और मल्टीप्लाई 44, कितना आ गया हमारा, 88, ये हमारा रुपए आ गया। समझ में आ रहा है? यहाँ हम क्यू का, सॉरी एस का भी हम देखेंगे, ये 29,800 में से टोटल हमारा रेशियो इतना है, इसका हमारा हिस्सा कितना है, 60 का है, तो यहाँ हम अपॉन में, यानी कि जिसका भी रेशियो निकाल रहे हैं उसकी अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं, टोटल में टोटल का ही डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 149 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 का, यहाँ हमारा आ जाएगा 12,000। लास्ट हम सी का निकाल रही हैं, तो 29,800 में डिवाइडेड करेंगे 149 मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 से, तो यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, यहाँ हमारा 9,000 रुपये आ गया। यानी ये हमारा जो ये प्रॉफिट था 29,800 का, इसको हमने पी और एस और सी में किस रेशियो में डिवाइड किया है, हमने ये कैपिटल रेशियो में डिवाइड किया है, जो कि 44, 60 और 45 आया था। ये सारी कैलकुलेशन अब हम कहाँ दिखा देंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दिखा देंगे। किस तरीके से दिखाएंगे वो हम देखते हैं। हम यहाँ पे पी को दे देंगे, हमारा पी का आया था 88,000, किस तरीके से आया वो हम आपको वर्किंग नोट में दिखा चुके हैं। आगे एस का आया था 12,000 और सी का हमारा 9,000, तो यही चीज़ हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करके बता चुकी हैं। ये इन सब का टोटल हमारा 29,800 हो जाएगा, ये दोनों तरफ इक्वल हो जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन, इस तरीके से बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इस लास्ट क्वेश्चन में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी कि अगर डीड में नहीं कहा इंटरेस्ट लिखने का,
इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, तो हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट नहीं दिया, सैलरी नहीं कहा, कमीशन नहीं कहा, तो हम यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं कहेंगे। पर प्रॉफिट एंड लॉस का डिवाइडेशन कैसे कहा इन्होंने, कैपिटल रेशियो में, तो कैपिटल रेशियो की हम कैलकुलेशन किस तरीके से की आपने देखा। तो ये आज मेरे तीन न्यूमेरिकल हो गए हैं। आगे आप एग्जाम्पल कीजिए। तो थैंक यू।